नाज़रीन, आज एक बहुत अहम प्रोग्राम है और दो अहम चीज़ों पे है। पहले मैं आपको ये बुक दिखाऊं। ये बुक है स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो PSL 1 और PSL 2 हुआ था। ऑडिट ईयर है 2017-2018। ये है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। मेरे पास ये पूरी बुक है और इस बुक के अंदर 72 जो है ना 72 जो है वो आपके आर्टिकल्स कह लें या 72 घपले कह लें, इसमें 72 घपले हैं, 72। और इस 72 घपलों में US डॉलर में घपले हुए हैं और ये जो हैं आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में घपले हुए हैं। और मैं पूरी की पूरी 72 तो इतना टाइम नहीं है बता सकूं आपको, लेकिन मैंने चीदा चीदा 12-12 आपके सामने दिखाने हैं कि इसमें क्या घपले हुए हैं। और मैं एक बात बता दूं, तकरीबन आज का अगर US डॉलर का रेट आज का लिया जाए 156.6 का, तो तकरीबन 17 अरब रुपए का सिर्फ US डॉलर का इस PSL 1 और PSL 2 में घपला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड को ऑब्जेक्ट किया इररेगुलरिटीज़ पे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका जो भी जवाब दिया उसको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया और रिग्रेट किया, और उन्होंने उसके ऊपर कहा कि ये रिकवर किया जाए और जो जिम्मेदारी फिक्स किया जाए, एक्शन किया जाए, बहुत कुछ है। और मैं इस पर किसी वक्त डिटेल में प्रोग्राम करूंगा। आज आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, फिर एक दफ़ा आपको बता रहा हूं, तकरीबन 19 अरब रुपए का घपला है। ये कौम मर रही है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और ये PCB में बैठे हुए लोग जो हैं 19 अरब रुपए लूट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखें ये चंद मैंने निकाले हैं, इसमें से 72 है, याद रखिएगा। पहला है जनाब, अनजस्टिफाइड ऑक्शन ऑफ फ्रेंचाइज कॉजिंग लॉस, तकरीबन कोई 11 मिलियन US डॉलर है। ये सारे US डॉलर के हैं जो मैं बता रहा हूँ। इररेगुलर एंड नॉन ट्रांसपेरेंट अवार्ड ऑफ द फ्रेंचाइज राइट टू द अनक्वालिफाइड फर्म 57। उसके बाद नॉन ट्रांसपेरेंट अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दुबई 14.085 मिलियन, ये मिलियन है सारे के सारे। उसके बाद है इररेगुलर आपके अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पाकिस्तान मीडिया राइट्स टू एमओएस बिट्स, ये है 8.65 मिलियन US डॉलर। उसके बाद है इररेगुलर एंड अन इकोनॉमिक अवार्ड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट 3.867 मिलियन US डॉलर। उसके बाद है जनाब इररेगुलर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ब्रॉडकास्ट राइट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान 4.44 मिलियन US डॉलर। उसके बाद है इररेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग कंपेन PSL 2, उसमें है तकरीबन 1.2203 मिलियन डॉलर। उसके बाद है इररेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ PSL वायलेशन विदआउट ओपन कंपटीशन 0.81 मिलियन। इररेगुलर अवार्ड ऑफ स्पॉन्सरशिप आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ रहा है, अवार्ड स्पॉन्सरशिप राइट विदाउट ओपन कंपटीशन 1.76 मिलियन। उसके बाद है इररेगुलर अवार्ड ऑफ इंस्टेडिया मीडिया मैनेजमेंट राइट 4.50 मिलियन इस US डॉलर। और ये टोटल जो है, इसमें से मैंने 12 निकाला था, इसमें टोटल जो है वो तकरीबन 17 अरब रुपए 114 जो है वो मिलियन डॉलर्स इसमें इन्वॉल्व है, घपले हुए हैं। और अगर इसको आप आज के रेट से करें, जो डॉलर रेट है 156.6, तो पाकिस्तान के इस PCB ने पाकिस्तान की टैक्स की आवाम के 17 अरब रुपए का घपला है, जिसकी ये 17 का है, ये ऑडिट 2017-18 का है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई नैब, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हुकूमत पाकिस्तान, इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है जो मैंने आपको पेश किया। ये US डॉलर का था जो मैंने बताया, अब 2 अरब जो है वो पाकिस्तानी रुपए में भी काम हुए हैं, उसका भी मैं बताता हूँ। लॉस टू PCB ड्यू टू इररेगुलर पेमेंट ऑफ फ्रेंचाइज, ये है तकरीबन 248.615 मिलियन पाक रुपीज। लॉस टू PCB ड्यू टू द इररेगुलर अवार्ड ऑफ द कंपनसेशन टू द PSL 54.49 मिलियन। उसके बाद इररेगुलर एडवांस पेमेंट टू वेंडर
246.045 million पाक रुपीज, नॉन रिकवरी ऑफ द रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंचाइज 32.05 million, उसके बाद है अनऑथोराइज एंड अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ पीएसएल फंड इन थर्ड पार्टी बैंक आउटसाइड पाकिस्तान 145.148 million पाक रुपीज, इरेगुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ड्यू टू द रिसिप्ट ऑफ पीसीबी रेवेन्यू इन यूएसडी एक्ट अकाउंट 166.769 million पाक रुपीज, उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंस ड्यू टू नॉन चार्जिंग ऑफ वेन्यू हायरिंग कॉस्ट टू सेंट्रल पूल इनकम 306.68 million पाकिस्तान रुपीज, उसके बाद लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द अवॉर्डिंग ऑफ मीडिया एडवर्टाइजिंग पाक रीजन राइट एट लोअर लेवल 169.615 million, लॉस टू पी सी बी ड्यू टू द नॉन चार्जिंग ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू सेंट्रल पूल इनकम 160 million पाक रुपीज, इरेगुलर एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बॉर्न बाई पी सी बी ऑन ब्रांडिंग 20.345 million पाक रुपीज, और है अनड्यू फेवर इन ग्रांटिंग स्पॉन्सरशिप राइट्स विदाउट ओपन कंपटीशन 78.600 million पाक रुपीज, लॉस टू स्टेट ड्यू टू नॉन डिटेक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट और टू नॉन रेजिडेंट पार्टीज 167 million, तकरीबन पाक रुपीज में 2 अरब रुपए का घपला है। ये मैंने आपको 72 में से इस वक्त मैंने आपको सिर्फ 24 का जिक्र आपके समक्ष किया है, तो सोचिए, लेकिन टोटल मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 19 अरब पाकिस्तानी रुपीस, अगर मैं यूएस डॉलर को 156.6 से जो आज का रेट है अगर करता हूं तो 19 अरब रुपए का घपला है पीसीबी का पीएसएल 1 पीएसएल 2 पे, और ये मेरे पास ऑडिटर जनरल ऑफ रिपोर्ट है, कोई चैलेंज कर सकता है तो चैलेंज करे, ये बुक है मेरे पास। और इस सिलसिले में हमने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों को भी कॉन्टेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या ये पैराज जो हैं वो डिसाइड हो गए हैं, क्योंकि आपके इस ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में ये आपने लिखा है कि जो भी बातें पीसीबी ने आपको कही, जवाबात दिए, वो कोई भी बात सही नहीं थी, कोई बात ऐसी नहीं थी कि जिसको आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं था कि वो जो इरेगुलर ऑडिट थी उसको ख़त्म करते, वो सारी की सारी रेक्टिफाई करते, नहीं वो रिजेक्ट किया। इसका मतलब है पीसीबी का सारा स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स गलत थे और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये 72 इरेगुलर घपले जिसको 19 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम के, गरीब अवाम के पैसे लूटे गए हैं। और अब मैं बता दूं कि इस सिलसिले में हमने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं मोहम्मद कामरान काशिफ, आप देखिएगा स्क्रीन पे, हमने इनको व्हाट्सएप किया था कि हमें बताया जाए कि क्या बाद में इन पैराज का कोई, क्योंकि ये पब्लिश हो चुकी है, तो पब्लिश होने के बाद आप इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या ख़त्म हुआ है। तो उन्होंने हमें जो डिटेल दी है वो राइटिंग पे हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, एक मीटिंग ज़रूर हुई है, वो ये डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट मीटिंग है, अकाउंट कमेटी, डिपार्टमेंट अकाउंट कमेटी की 21 अगस्त को, उसमें ये सब चीज़ डिस्कस किया गया, 72 में से 15 के ऊपर उन्होंने मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन ये अभी आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाना है, जहां ये जाकर देखना है कि इधर ये जो इन्होंने 15 का जो डॉक्यूमेंट दिया है ये भी सही है या गलत है। तो हमने उनसे पूछा कि स्टेटस क्या है इस वक्त, उन्होंने कहा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में जो 72 घपले हैं वो अभी तक स्टैंड करते हैं, ये है उनका स्टेटमेंट। हमने उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और आपको जो है वो ऑन राइटिंग हमने दिखा दिया, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि जनाब हमारे मामला दुरुस्त हो गए थे। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इस डायरेक्टर का, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब आते हैं जनाब, हमने एहसान मानी साहब को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बदकिस्मती से चेयरमैन बन गए हैं, जिनको कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, अकाउंटेंट की एक फर्म थी जो इमरान खान से दोस्ती हुई, जिसकी बुनियाद पर इनको चेयरमैन बना दिया गया है, उनको हमने मधु किया कि आइए बैठिए यहाँ पर आके और जवाब दीजिए इस 19 अरब रुपए का, और आपको जवाब देना पड़ेगा।
आपको जवाब देना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के गरीब है, आप भाग नहीं सकते। ये है वो लेटर जो हमने उनको कॉन्टेक्ट किया और हमने उनसे कहा कि तशरीफ लाएं, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप किया, जो उन्होंने देखा है, द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिस्टर एहसान मानी, डियर सर वी वुड लाइक टू इनवाइट यू इन आवर टुडेज लाइव प्रोग्राम, जवाब चाहिए एट 11 PM एट 92 न्यूज टू क्लेरिफाई द इररेगुलरिटीज एंड ऑडिट ऑब्जेक्शन इन PCB, अवेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्ड रिगार्ड्स। हमने इनको कहा लेकिन ये नहीं आए, हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अभी हमने कुछ चीज़ें दी हैं, हम इस पर बाज़ाफ्ता प्रोग्राम करेंगे, मज़ीद है। और मैं इस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और चेयरमैन नैब से और DGFIA से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपके पास ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है तो इन डिपार्टमेंट से लीजिए, अगर वो नहीं देते हैं तो मुझसे लीजिए। और अब ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इकबाल अहमद खान के पास, स्टैंडिंग कमेटी जो आपकी नेशनल असेंबली की है, सेनेट की है, इकबाल अहमद खान के पास भी चली गई है और जर्नलिस्ट नैयर साहब के पास भी है और आज के बाद ये जनाब मोहसिन साहब के पास भी होगी और जनाब जावेद मियांदाद के पास भी होगी, आकिब जावेद के पास भी होगी और बहुत से लोगों के पास चली जाएगी। अगर आप पाकिस्तान के ये 19 अरब रुपये रिकवर करना चाहते हैं और इन लोगों को सज़ा देना चाहते हैं।